चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी क्वेश्चन जो है सापेक्ष चाल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एन 150 मीटर लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन पासेस द 100 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 39 किलोमीटर पर आवर एंड 21 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू पास ईच अदर। इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिखा है आपकी सुविधा के लिए कि 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार करती है और यदि उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पार करने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फिर डायग्राम क्या है कि एक मान लीजिए एक पैसेंजर ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 150 मीटर है। दूसरा एक गुड्स ट्रेन है, इसकी लंबाई जो है ये 100 मीटर है। एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन, ये चाल और समय और दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं, चाल समय और दूरी के, इसमें तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या क्या होता है? एक स्पीड होता है, दूसरा टाइम होता है एंड तीसरा डिस्टेंस होता है। स्पीड मतलब चाल, टाइम मतलब समय और डिस्टेंस मतलब दूरी, ये तीन चीजें होती हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं करना, बस आपको थ्योरी याद रखनी है और हल्का सा अपने माइंड का यूज करना है, फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 5-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार एक्सप्लेनेशन आप देख लो। एक्सप्लेनेशन जब देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है कि 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी है एंड 150 मीटर लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन पासेस द 100 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पैसेंजर ट्रेन है जो इस दिशा में जा रही है और एक गुड्स ट्रेन है जो इस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये इस दिशा में आएगी, ये इस दिशा में आएगी, तो जब एक दूसरे को एक क्रॉस करेगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी ये क्रॉस करने में। जितनी लंबाई इस पैसेंजर ट्रेन की है 150 मीटर और प्लस जितनी लंबाई इस गुड्स ट्रेन की है 100 मीटर, मतलब इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितनी, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इन दोनों को आपस में इनको पार करने में 150 मीटर का डिस्टेंस, क्योंकि इसकी लंबाई 150 मीटर है और गुड्स ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में इन दोनों को 150 मीटर और प्लस 100 मीटर 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों की जरूरत पड़ती है, तो ये डिस्टेंस निकल गया। स्पीड क्या होगा? चूंकि इसकी स्पीड पहले वाले की स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे वाले की स्पीड जो है 21 किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 39 प्लस 21 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब हमारे पास क्या मिल गया? 250 मीटर का डिस्टेंस मिल गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड मिल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू पास ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पार करने में उनको कितना समय लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये डिस्टेंस 250 मीटर मिल गया, स्पीड हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया, तो इससे टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद सॉल्व करते हैं।
तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मीटर और प्लस 100 मीटर जो कि अभी मैंने बताया था डायग्राम बना के, ये हो जाएगा 250 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल जिसको